नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूलिया। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी किसान नए कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस बीच रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों से संवाद के लिए करनाल के कैमला गाँव में महापंचायत बुलाई, जिसका विरोध करने बड़ी संख्या में किसान पहुँच गए। इस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आपको बता दें, करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था। यहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सैकड़ों किसान पहुँच गए। किसानों ने मुख्यमंत्री खट्टर को काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों और स्थानीय पुलिस ने किसानों को समझा बुझा कर उन्हें तितर बितर करने की भी कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने। यहां पर स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछारें भी छोड़ी। इस दौरान मौके पर जमकर हंगामा हुआ और वहाँ पर फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों किसान खेतों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इन किसानों पर लाठियां बरसा रही है। कई किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। किसानों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। घटना के बाद किसान आसपास के गांवों में चले गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस घटना पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री खट्टर पर हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि खट्टर सरकार किसान महापंचायत का ढोंग बंद करे। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, माननीय मनोहर लाल जी, करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत का ढोंग बंद कीजिए। अन्नदाताओं की संवेदनाओं और भावनाओं से खिलवाड़ करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बंद करिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि संवाद ही करना है तो पिछले 46 दिनों से सीमाओं पर धरना दे रहे अन्नदाता से कीजिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री खट्टर शुरू से ही किसानों के आंदोलन को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के भड़काने के बाद से ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिसंबर में दिए गए अपने एक बयान में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा था कि अगर नए कृषि कानूनों से MSP को नुकसान होता है तो वो राजनीति ही छोड़ देते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।